मेरे बिना मिनस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। भंडारा जिले से गढ़चिरौली ले जा रही है शराब, कुरखेड़ा धानोरा मार्ग का होता है उपयोग। शराब बंदी होने के बाद भी जिले में खुले आम शराब की बिक्री शुरू है। भंडारा जिले से बड़े पैमाने में शराब लाई जा रही है, इसके लिए शराब तस्कर अब नक्सल ग्रस्त क्षेत्र का उपयोग कर रहे हैं। कुरखेड़ा मालेवाड़ा धानोरा मार्ग से गढ़चिरौली व चामोशी तहसील में शराब लाई जा रही है। हालात यह है कि यहां कोई गांव में खुले आम शराब मिलती है, कोई कार्यवाही नहीं होने से लोगों के हौसले बुलंद है। नक्सल क्षेत्र का उपयोग किया जा रहा है। देसाई गंज आरमोरी मार्ग से शराब की तस्करी करना विक्रेताओं को महंगा पड़ रहा था, जिसे अब शराब विक्रेता कुरखेड़ा धानोरा तहसील के दुर्गम क्षेत्र में आते हैं। इन तहसीलों के दुर्गम क्षेत्र में नक्सलवादियों की दहशत रहने से रात के दौरान कोई भी बाहर नहीं आता है। कुरखेड़ा धानोरा मार्गों पर कुरखेड़ा मालेवाड़ा येरकड़ धानोरा आदि पुलिस थाने आते हैं। रात के दौरान कोई भी बाहर नहीं निकलने से शराब तस्करी पिकअप मेटाडोर से भंडारा जिले के केशोरी से शराब कुरखेड़ा धानोरा मार्ग से चादगांव पोटेगांव परिसर में लाते हैं। इसके बाद जंगल के रास्ते चामोशी व गढ़चिरौली में शराब पहुंचाई जाती है। नागरिक को इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से ध्यान देकर तुरंत इस पर अंकुश लगाने की मांग कर रहे हैं। तो MNS News Live की खबर देखने के लिए MNS Hindi ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारी चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए देखते रहिए MNS News Live। धन्यवाद।